जानिए कौन है स्पिन गेंदबाज कुमार कार्तिकेय सिंह जिनके दम पर मुंबई इंडियंस को नसीब हुई पहली जीत। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, कौन है यह खिलाड़ी, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ पूरी डिटेल में। तो दोस्तों पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों आईपीएल 2022 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने आखिरकार इस सीजन की पहली जीत दर्ज कर ली है। मुंबई इंडियंस ने अपने 9वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हराकर लगातार 8 हार का सिलसिला खत्म किया। एमआई की इस जीत में हिस्सेदारी करने वाला एक ऐसा भी नाम शामिल है जिन्हें फैंस ज्यादा नहीं जानते हैं और आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के फिरकी गेंदबाज कुमार कार्तिकेय की। सितारों से सजी राजस्थान रॉयल की टीम के खिलाफ कार्तिकेय ने अपने कोटे के 4 ओवर में महज 19 रन खर्च करते हुए सफलता हासिल की। इस गेंदबाज ने मैच में अहम मौके पर राजस्थान रॉयल के कप्तान संजू सैमसन को टीम डेविड के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद इस मैच में मुंबई इंडियंस काफी बेहतर पोजीशन में आई। 24 वर्षीय कुमार कार्तिकेय सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कुआसी गांव के रहने वाले हैं। कार्तिकेय के पिता का नाम श्यामनाथ सिंह है। श्यामनाथ सिंह यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और इस वक्त झांसी पुलिस लाइन में तैनात हैं। वर्तमान में श्यामनाथ सिंह का परिवार कानपुर में रहता है। कुमार कार्तिकेय मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हैं और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी मोहम्मद अरदास खान के चोटिल होने के बाद कार्तिकेय को उनकी जगह शामिल किया गया है। कार्तिकेय के पिता श्यामनाथ सिंह की माने तो बचपन से ही कुमार कार्तिकेय को क्रिकेट खेलने में रुचि थी। कार्तिकेय का सपना था कि क्रिकेट जगत में वह एक दिन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लगातार कड़ी मेहनत की बदौलत आखिरकार कार्तिकेय का सपना पूरा हो गया। बता दे कार्तिकेय को 20 लाख रुपए की कीमत में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया था। आपको बता दे कि कार्तिकेय ने अब तक 9 प्रथम श्रेणी मैच, 19 लिस्ट ए और 8 टी20 मैच में भाग लिया है। फर्स्ट क्लास मैचों में बाएं के इस स्पिन ने 20.42 के एवरेज से 35 विकेट लिए हैं। वहीं लिस्ट ए मैचों में कार्तिकेय के नाम 18 और टी20 क्रिकेट में 9 विकेट चटकाए हैं। तो दोस्तों आप भी इस खिलाड़ी के बारे में अपनी राय कमेंट जरूर करें। ज्यादा जानकारी और आईपीएल के अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।